तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पर Realme Shift 5 और आज की वीडियो में हम जो है इस फोन का बैंड टेस्ट करके देखने वाले और देखने वाले कि ये जो फोन है वो हमारा बैंड टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम अपने फोन को जैसे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं साइड में, और ये रहा हमारा यहाँ पे फोन। तो बाकी बॉक्स रखते हैं साइड में, तो इसको निकालते हैं बाहर और आप देख सकते हैं अभी जो हमारा फ़ोन है एकदम बढ़िया ओके है, एक भी स्क्रैच नहीं है, एक भी क्रैक नहीं है, बैक साइड से भी ओके है और इसने हमारे जो पहले जो मैं सारे टेस्ट करे हैं वो सारे एक्सरसाइज सर्वाइव कर लिए हैं और अभी भी जी जो हमारा फ़ोन है अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब पीछे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, वॉटर टेस्ट, वो सारे एक्सरसाइज इसने जो है सर्वाइव कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ये हमारा जो है बैंड टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। और आप देख सकते हैं अभी इसके पे कोई भी क्रैक नहीं है, टच वगैरह सब कुछ बढ़िया यहाँ पे काम कर रही है और बैक साइड से भी एकदम ओके है। हाँ हल्का सा देखिए, हल्का सा यहाँ पे बैंड हो रखा है जो पीछे टेस्ट में जो बैंड हुआ था, लेकिन बाकी हमारा फोन एकदम ओके है। तो अब करते हैं इसका बैंड टेस्ट स्टार्ट और देखते हैं कि बैंड टेस्ट में सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो पहले कुछ इस तरीके से इसको बैंड करके देखते हैं कि बैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा मैं जोर लगाता हूं इसमें बैंड करने के लिए, इस तरीके से तो बैंड नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ भी हो लेकिन पहले से बैंड को खास फर्क पड़ता नहीं है। ऑन है डिस्प्ले, अब थोड़ा बैक साइड करके देखते हैं बैंड कि बैक साइड को ये बैंड होता है कि नहीं होता। मैंने पूरा जोर लगाया अपना अच्छे से और उसके बाद जो है बैंड तो नहीं हुआ, पर जो पहले से थोड़ा सा बैंड हो रखा था वो यहाँ पे देखिए अब एकदम सीधा हो चुका है। तो हल्का सा आगे को बैंड और खतरा है पहले, अब एकदम सीधा हो गया, हल्का सा फुल्का थोड़ा सा होगा लेकिन एकदम सीधा हो चुका है लगभग। लेकिन फ़ोन हमारा यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है, इतना ईजिली से बैंड नहीं होने वाला। अब जो हमारा एक्सट्रीम वाला बैंड का तरीका है उस तरीके से इसको बैंड करके देखते हैं कि उस तरीके से बैंड होता है कि नहीं होता। तो जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने हाथ को जो है यहाँ पे इस तरीके से रखता हूँ, दूसरा हाथ से जो है अपना पूरा वेट इस फ़ोन के ऊपर दे देता हूँ और फिर देखते हैं उस तरीके से बैंड होता है कि नहीं। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो मतलब सच में इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। तो आप क्या करते हैं इस तरीके इसको बैंड करके देखते हैं और यहाँ पर हल्का सा क्रैक हुआ है, हाँ नहीं बैंड तो नहीं हुआ, फ़ोन डेड नहीं हुआ, काम कर रहा है, लेकिन हल्की सी जो इसकी तड़क सी की आवाज़ आई थी मतलब कुछ तो टूटा है इसका क्योंकि इतना मेरा लगभग वेट जो है 70 के आसपास वेट है और मैं 70 के आसपास का लगभग वेट इसके ऊपर डाला है और उसका हल्का सा क्रैक होना तो नॉर्मल है। और देखिए यहाँ से जो है हल्का सा जो है यहाँ से टक सी की आवाज़ आई और यहाँ पर जो डिस्प्ले भी थोड़ी सी अलग हो चुकी है, लेकिन फ़ोन हमारा अभी भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही काम कर रहा है। तो अभी करते हैं, अभी तो आगे साइड को कर रहा था, अब सेम वेट के तरीके सेम तरीके से पिछली साइड को भी करके देखते हैं कि आप तो ट्रक से उल्टा हो जाए और दोबारा जुड़ जाए, बेचक ऐसा नहीं होने वाला पर फिर भी अब मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ इस टाइम, नहीं यार सच्ची में यार मानने वाली बात है कि इस फोन की मतलब Shift 5 की Realme Shift 5 की बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। हल्का सा पीछे को यहाँ बैंड हो चुका है, हल्का सा है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा दिखने में इतना फर्क नहीं पड़ता ना। और मैं इसको ऑन करूँ तो फ़ोन हमारा यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है यार, मतलब कि सच्ची में यार बिल्ड क्वालिटी सच में इस फोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब क्या करते हैं, अब जो है इसको नीचे से करके देखते हैं बैंड, क्या नीचे से बैंड हो रहा है, ऊपर से तो खैर हुआ नहीं, मैंने जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया और जब ऊपर से नहीं है तो नीचे से कहाँ ही होगा यार, ये नहीं हो रहा है। हल्का से यहाँ से थोड़ा शायद अलग हुआ है बैक कवर से, इसका दोबारा जुड़ गया वैसे, तो नीचे से भी नहीं हुआ, बैक साइड को भी देख लेते हैं एक बार, तो बैक साइड को हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं यार बैक साइड को भी बैंड नहीं हो रहा है। हाँ थोड़ा सा इसका बॉडी का शेप थोड़ा सा ख़राब हो चुका है इधर से भी और आगे से भी, लेकिन यार बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सच्ची में यार बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस फ़ोन की, क्योंकि ये फ़ोन इतना सारा मैंने इसके ऊपर टेस्ट किए, ड्रॉप टेस्ट करा, एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट करा, मतलब गुस्से में जब फेंकते हैं उस तरीके से ही फेंका, आपने देखी हुई वीडियो, और उसके बाद जो अब इसमें बैंड टेस्ट के बाद बैंड टेस्ट में मैंने अपना पूरा वेट इसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद भी ये फ़ोन बैंड नहीं हुआ, मतलब सच में यार बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर भी एक बार दोबारा से जो है इसको करके देख लेते हैं एक बार दोबारा तसल्ली के लिए, मतलब जो मैं अपना जो वेट वाला दोबारा डाल के देखता हूँ वेट इसके ऊपर, फिर देखते हैं उस तरीके से बैंड, मुझे लगता है कि अब शायद हो सकता है बैंड, ये नहीं यार सच्ची में अभी भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हल्का सा ये बैंड हो चुका है, यहाँ से जो है हल्का सा हमारी डिस्प्ले उठ भी गई है, तो खैर इतना वेट डलेगा तो ऑब्वियस ही बात है इतना फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा।
क्योंकि बाकी फ़ोन तो इस जगह पे अच्छा 2D आते हैं, बिल्कुल भी इससे अलग हो जाते हैं, लेकिन ये फ़ोन इसने मेरे सारे जो अभी तक मैंने सारे टेस्ट का वो तो सर्वाइव कर ही लिए हैं, और साथ में ये वाला बैंड टेस्ट, एक्सट्रीम बैंड टेस्ट कह सकते हैं इसको भी इसने सर्वाइव कर लिया। यार फ़ोन देखिए यार अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, टच को चलाऊँ तो टच भी यहाँ बढ़िया काम कर रही है, देखिए कितनी बढ़िया टच काम कर रही है, और कैमरे को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा भी यहाँ काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है बैक कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। यार मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा ही कर देगा, और मैं फ्लैश को उनका दिखाऊँ तो फ्लैश भी आप देख सकते हैं, तो ये देखिए फ्लैश भी यहाँ सही काम कर रही है। तो मतलब कि इसने जो है हमारे सारे के सारे टेस्ट जो अभी तक मैंने करे हैं, मैं जो भी मैं करता हूँ सारे के सारे टेस्ट इसने मेरे टेस्ट सारे के सारे सर्वाइव कर लिए हैं। अब आप बताइए कि मैं इसके ऊपर और कौन सा टेस्ट करूँ जिसकी मदद से जो है इसको तोड़ सके, या फिर इसका जो कोई और टेस्ट करना हो आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं वो टेस्ट भी ज़रूर करूँगा इसके ऊपर। तो मुझे नीचे कमेंट में उन टेस्ट के बारे में जरूर बताइए कि मैं वो टेस्ट इसके ऊपर करके दिखाऊँ, तो शायद अगली वीडियो मैं उसी वीडियो बना दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं फिलहाल तो इसने जो है हमारे जो सारे के सारे जो टेस्ट हैं, मतलब ड्रॉप टेस्ट, वाटर टेस्ट, एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट, और अभी बैंड टेस्ट, इस सारे के सारे टेस्ट ने सर्वाइव कर लिए हैं। तो दोस्तों फिर बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।